हे गाइस, आज का वीडियो थोड़ा यूनिक है। मैंने कोशिश किया है कि आपको अच्छा लगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गन्ने के रस से गुड़ बनते हुए तो आपने बहुत देखा होगा, मैं आपको कुछ नया दिखाता हूँ आज। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये है क्या। तो ये है खजूर का पेड़। जी हाँ, आप देख सकते हैं, ये है खजूर का पेड़। और ये खजूर के पेड़ के रस से बनाया जाता है गुड़। और गुड़ होता है कैसे और बनता कैसे, ये तो पूरा प्रोसेस है। हालांकि ये प्रोसेस होता है 2 महीने का, लेकिन मैं आपको सिर्फ 5 मिनट में या 6 मिनट में दिखा दूँगा। देख सकते हैं, ये है पेड़ और इसके नीचे यहाँ पर लगा हुआ है हांडी जिसमें रस कलेक्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो, ये है खजूर का पेड़ जिसको भी काटा जाएगा और वो भी चढ़ेंगे इसके ऊपर और इसको काट के इसके मतलब काटा जाएगा, मतलब इसको छाटा जाएगा, काटा नहीं जाएगा। और बेसिकली इसके अंदर से रस। हाय, आप क्या करने वाले हो? खजूर का रस काटने वाला है। देखिए, यहाँ पर भी एक लगा हुआ है, यहाँ पर भी एक लगा हुआ है और इसमें पूरा रस भरा हुआ है अभी है। और ये देखिए, यहाँ पर पेड़ में और लगा हुआ है और उसको भी उतारने वाले हैं। देख सकते हैं, बिना कोई सपोर्ट के चढ़ेंगे पूरा वहाँ तक, हाथ में लेके रखे हैं और इसको भी तोड़े, इसको निकाला जाएगा। आप देखेंगे अच्छे से, देखिए रस भी निकल रहा है उसके अंदर से। अब इसको निकालेंगे, इसके अंदर रस होगा शायद। अच्छा खासा इसमें मिला कलेक्ट हुआ है। अब नीचे आएगा तो आपको दिखाते हैं कितना। ऐसा ऐसा बहुत सारे पेड़ है, सबसे कलेक्ट किया जाएगा। देखिए अभी आ रहा है, ठीक है, इसको पूरा भरा हुआ है। सकते हैं ये पेड़ है और इसमें से देखिए, ये देखिए रस निकल रहा है टिप टिप करके। ये है और इसके अंदर मैं दिखाता हूँ आपको कितना रस हुआ है। और ये देखिए, इतना सारा रस कलेक्ट हुआ है जिसको अभी जलाया जाएगा और इससे गुड़ बनेगा। सब हम ट्राई कर रहे हैं इसको, देखते हैं कैसे होता है। तो बहुत ही गाढ़ा है, लेकिन तो बहुत सही लग रहा है। देखिए कितना ज़्यादा फेटा जा रहा है इसको, ताकि ये जो कलर आ रहा है ना पूरा में होगा। उसके बाद वहाँ पर रखा गया, इसमें इसमें इसको उस छाछे में डाला जाएगा, फिर इसका एक बिस्कुट जैसा बनेगा। और जो बहुत मैं एडिटिंग कर रहा था तो मेरे को पता चला कि मैं एंड तो शूट ही नहीं किया। मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे बेसिक गुड़ बनाया जाता है और ऐसे ही बनाया जाता है और बहुत ही खाने में टेस्टी होता है। अराउंड 350 से 300 रुपये किलो भी इसको सेल किया जाता है। एंड अगर आप इस वीडियो को देख लिए हो तो एक और छोटा सा क्लिप है जिसमें कुछ मिठाइयाँ बनाई जा रही थी, तो उसको भी देख लीजिए। रसगुल्ला देख के आपको खाने का मन तो जरूर किया होगा। आई नो आप अभी तुरंत खा नहीं सकते, लेकिन एक चीज है जो आप अभी तुरंत कर सकते हैं, पता है वो क्या है? तो गाइज, आप इस चैनल के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबा सकते हैं और हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।